खबर गरियाबंद से है। कलेक्टर श्री नीलेश क्षीरसागर एवं पुलिस अधीक्षक श्री भोज राम पटेल आज दोपहर अचानक उड़ीसा बॉर्डर पर पहुंचकर सीमा का निरीक्षण किया। उन्होंने उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिला से लगे खुटगांव बॉर्डर में बनाए गए नाके का भी निरीक्षण किया और स्पष्ट निर्देश दिए, यहाँ कोई भी व्यक्ति बिना कोविड-19 का टेस्ट के प्रवेश न करे। उन्होंने कहा कि टेस्ट के पश्चात ही सीमा में प्रवेश दे, यदि उनके पास टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तो तत्काल स्थल पर ही टेस्ट की व्यवस्था की जाए और पॉजिटिव पाए जाने पर कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया जाए। कलेक्टर और एसपी ने यहां तैनात कर्मियों से बातचीत कर जानकारी ली और रजिस्टर संधारण के निर्देश भी दिए। इसके अलावा नुआपाड़ा से लगे कैट पदर सीमा का भी निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया गया। यहां ग्रामीणों को समझाइश दी गई कि बिना किसी कारण के बाहर ना निकलें और शासन के निर्देशों का पालन करें। तत्पश्चात कलेक्टर एवं एसपी द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में संचालित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया गया। देवभोग में 3 कोविड सेंटर संचालित हैं, यहां लगभग 30 मरीज इलाज करवा रहे हैं। इस दौरान कलेक्टर और एसपी ने लोगों से बातचीत कर उन्हें घर में रहने और कोविड के नियमों का पालन करने को कहा। निरीक्षण के दौरान एसडीएम आशीष अनुपम टोपो भी मौजूद थे।